ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली की हवा भी बहुत खराब स्थिति में, क्यूआई 387 पहुंचा। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का असर, दक्षिण मध्य रेलवे ने 7 ट्रेनें रद्द की, कई डायवर्ट हुई। जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने भारत आई पाक हॉकी टीम, भुवनेश्वर में होगी स्पर्धा। भारत न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता में तीसरा T20 मैच, आज सीरीज में 2-0 से आगे है इंडिया। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में संभल सरकार द्वारा लगातार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि 2 दिन पूर्व भी संभल जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन द्वारा सभी ग्राम प्रधान सचिव और सफाई कर्मचारियों को आदेशित किया गया था कि गाँव में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए और यदि गाँव में गंदगी के कारण किसी की डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से अगर मौत होती है तो ग्राम प्रधान, सचिव, सफाई कर्मचारी ही जिम्मेदार होंगे। वहीं संभल विकास खंड की ग्राम पंचायत जालब सराय, ईशापुर, सुनबारी, ततारपुर और संदल में जब जीरो ग्राउंड पर जाकर देखा गया तो गांव में काफी गंदगी पसरी मिली। ग्राम प्रधान, सचिव, सफाई कर्मचारी द्वारा लापरवाही की जा रही है और इन तीनों की लापरवाही के कारण गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गंदगी का अंबार लगातार दिख रहा है, डीपीआरओ के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं, जहां प्रबंध करने को बोला है कि संभल में किसी की भी टाइफाइड, मलेरिया आदि की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए, वरना उसका जिम्मेदार सफाई कर्मचारी और जो जिम्मेदार अधिकारी है वही होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी किसी का इस सफाई की ओर ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संभल सरकार लगातार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है, लेकिन 2 दिन पहले ही संभल जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन द्वारा ग्राम प्रधान और सचिव कर्मचारी और सभी सफाई कर्मचारियों को आदेशित किया गया, इसके बाद भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। कौशाम्बी के सराय अकेलमे थाना क्षेत्र के सेवा सदन के नाम पर क्लिनिक चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में अपने आप को फिजिशियन बताते हैं और सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता MBBS BUM के नाम से क्लिनिक चला रहे हैं, जहां पर नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। बता दें कि यहां पर गांव की कुछ अनपढ़ महिला द्वारा लोगों की यहां डिलीवरी कराते हैं और उनसे मनमाने तौर पर पैसे भी लेते हैं। इसके बावजूद ना जच्चा और ना बच्चे की गारंटी लेते हैं, जो कि यहां पर डिलीवरी कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि यहां अल्ट्रासाउंड, बच्चे की जांच, बच्चे के लिए ऑक्सीजन, बच्चे के लिए भाप की मशीन या किसी तरह की सुविधा भी नहीं है। दरअसल इस क्लिनिक में एक महिला यहां पर अपनी डिलीवरी करा रही थी, उस महिला के बार बार मना करने पर यहां के नर्स द्वारा डिलीवरी करा दी गई, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। सहारनपुर के रेलवे रोड से शुरू होकर घंटाघर चौक तक कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद भले ही भाजपा सरकार वाहवाही लूट रही हो, लेकिन 700 किसानों की शहादत भी कानून वापसी में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में कैंडल लेकर शहीद किसानों की शहादत पर पैदल चलकर कैंडल मार्च निकाला। देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत ट्रैक्टर रैली से पंजाब से की थी, तो किसानों के साथ कांग्रेस तो पहले दिन से खड़ी है, ये चुनावी स्टंट नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने लखीमपुर खीरी की घटना में आपने देखा होगा कि 60 घंटे प्रियंका जी को अरेस्ट किया गया, प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे भारत में अरेस्टिंग दी गई। तो कांग्रेस तो हमेशा से किसानों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी।
और इस खबर पर हमारे सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुहेल जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। सुहेल, कितनी दूर तक ये जो कैंडल मार्च निकाली गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये कृषि कानून बिल पास वापस लेने के बाद भाजपा सरकार वाई वाई लूटना चाहते हैं, लेकिन किसानों की शहादत के इस प्रक्रम में जो है आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर से घंटाघर चौक पर शहीद किसानों को याद के में ये कैंडल मार्च निकाला था। आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो है किसान विजय दिवस मनाया गया। इसी के साथ शाम आज कांग्रेसियों ने कृषि कानून बिल वापस लेने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे आंदोलन में जो 700 किसान जो है शहीद हुए थे उनकी ही याद में जो है ये कैंडल मार्च निकाला गया, जो सहारनपुर के रेलवे रोड से शुरू हुआ और घंटाघर चौक पर जो है इसका समापन किया गया। इसमें जो है सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ में जो है मोमबत्ती लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया और ये सहारनपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मुजफ्फर अली अहमद उनके नेतृत्व में निकाला गया। जी। सुहेल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेसियों द्वारा किन बातों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया? देखिए मुद्दे वही है, कांग्रेसियों का कहना था कि जो है ये चुनावी स्टंट है जो इन्होंने अभी कृषि कानून बिल वापस लिया है। अगर ये किसानों के इतने ही पैसे थे तो इन्हें कृषि कानून बिल जो है स्टार्टिंग में ही वापस ले लेना चाहिए था जब आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि जो है किसानों की लगातार मौत हुई, किसी की ठंड से मौत हुई, बरसात से मौत हुई, एक्सीडेंट से मौत हुई, तो इन सारी जो है जिम्मेदारियों को जो है सरकार को लेना चाहिए और उन्हें जो है हर्जाने के रूप में 700 करोड़ रुपए कम से कम देने की जो है इन्होंने 700 किसानों को मांग की है। जी सुहेल, किसानों का क्या कहना है अब इस मामले में? जिस तरह से 3 नए कृषि कानून वापस लेने की ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो क्या अब किसान अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे या ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और विपक्ष उन्हें प्रोत्साहित करता रहेगा? देखिए किसानों की बात करें तो यहाँ सहारनपुर के आसपास टोल प्लाजा पे जो है संयुक्त किसान काफी किसान जो है प्रदर्शन रहे हैं और सभी किसानों का यही मानना है कि देखिए मोदी जी ने एक ऐलान मात्र किया है कि हम कानून को वापस ले लेंगे, लेकिन कानून को वापस लेने के साथ साथ जो है MSP पर गारंटी इन लोगों ने मांगी है और इनका कहना है कि जब तक वो लिखित में एक तरह से कानून वापस नहीं हो जाते, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वापस नहीं हो जाते, तब तक जो है आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुहेल जुड़े थे सहारनपुर से। ₹2022 विधानसभा चुनाव को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है। इसी के चलते यहां योगी सरकार पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है, तो वहीं नई परियोजनाओं का शिलान्यास करती हुई भी नजर आ रही है। यही नहीं, इस बार योगी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदुओं को पुनर्वासित करने का कार्य शुरू कर दिया है, इसलिए जमीन से लेकर आवास योजना से उनको लंबा करने का काम जोरों से किया जा रहा है। वहीं योगी सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की फौज इस कार्य के लिए लगा दी है, जिसके चलते यूपी के मेरठ में रह रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद में पुनर्वासित करने की योजना तैयार की गई है। साथ ही अपर मुख्य सचिव पंचायती राज का कानून कानपुर देहात संविधान संभावित दौरा भी है और मेरठ में रह रहे बांग्लादेशी को कानपुर देहात में पुनर्वासित करने के कार्य का निरीक्षण करेंगे और साथ ही अधिकारियों की निगरानी में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। साथ ही CDO ने निरीक्षण कर आश्वासन भी दिए हैं कि जल्द ही काम पूरा होगा। गांव में है, यहाँ पे अपर मुख्य सचिव राजस्व पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सर का यहाँ प्रस्तावित विजिट है, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। इस भूमि पे 63 हिंदू बंगाली परिवार जो पुनर्स्थापित होके आएंगे उनके लिए आवासीय और कृषि भूमि का चिन्हांकन होना है। तो मेरे साथ रेवेन्यू की टीम है और मेरे साथ ग्राम विकास की पूरी टीम है, तो हम लोग ये भूमि देखने आए थे कि ये भूमि कितनी उपयोगी है और इसका नजरी नक्शा वगैरह तैयार कर।
मुख्य सचिव पंचायती राज को इसका लगा दिया गया है एक्शन मोड में दिख रही योगी सरकार, जहां बड़ी पहल करने वाली है। पर मुख्य सचिव पंचायती राज का कानपुर दौरा भी हुआ और ये बात निकल के सामने आई है कि योगी सरकार द्वारा जो विस्थापित बांग्लादेशी हैं उन्हें पुनर्वासित करने की योजना बना रही है योगी सरकार और अधिकारियों को इस काम में लगा दिया है। CDO ने निरीक्षण कर आश्वासन भी दे दिया है कि जल्द काम पूरा होगा और इसकी तैयारी में सभी अधिकारी जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इसी काम को करने के लिए जमीन से लेकर आवास योजना से उनको लंबा करने का काम जो किया जा रहा है वो जोरों पर चल रहा है। योगी सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की फौज को इस कार्य के लिए लगा दिया है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना के डंगहर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक विवाह में देवर ने बड़ी भाभी और भतीजी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि इस मामले में मृतका का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी देवर फरार हो चुका है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर परिजनों से पूछताछ की है। ये घटना आज की है और आज लगभग 2 बजे कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डगहर जहाँ हम खड़े हुए हैं, इसका नाम डगहर है और ये कोतवाली कटरा में पड़ता है। ये सूचना मिली कि यहाँ पर रहने वाले रामनारायण टीटू द्वारा अपनी भाभी रेनू और भतीजी हर्षिका और भतीजे आरुष को धारदार हथियार से प्रहार कर दिया गया है, जिसमें रेनू और हर्षिका की मृत्यु हो गई है। आरुष को इलाज हेतु भेजा गया है। रामनारायण की तलाश की जा रही है, कई टीमें रवाना है, सौं को कजुम लेकर अग्रिम कार्रवाई। रायबरेली के भदोखा थाना इलाके में पान खाने के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान विवाद में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों में से एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस का कहना है कि इस मामले की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारा लड़का जो है दुकान करता है कपड़े की और ये पेटी बक्सा वगैरह की जो है, वहाँ बैठा हुआ था। चंद लोग आए जो है मोटरसाइकिल से उसको मारने लगे। विवाद जो है कल हमारे रिश्तेदारों से उन लोगों ने किया था, उनको भी मारा और रात में वो लोग गए अस्पताल भी, टांका लगवाया। उसके बाद जो है वहाँ जाके वो दिया एप्लीकेशन थाना बधोखर में और घर पे जाए। आज शाम को जो जैसे पुलिस आई थी 4 बजे, पुलिस जो है गई नहीं, ये लोग कोई मिला भी नहीं। और 10 मिनट के बाद ये लोग लाठी डंडे से लैस होकर आए मोटरसाइकिल से और हमारा लड़का जो था उसको मारने लगे और उसको जो है और 2 फायर भी किए पकड़ के घसीट। संभल के जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने क्षेत्र से आए हुए सभी फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आगे उन्होंने राजस्व संबंधित मामलों पर कहा कि मौके पर पुलिस और राजस्व की टीम जाकर शिकायतों का निस्तारण करे। सहारनपुर के सरसावा में अंबाला रोड पर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज से करीब 226 कर्मचारियों को बिना नोटिस निकाले जाने पर सभी संविदा कर्मचारी धरने पर बैठ गए थे। आज लगातार 9वें दिन भी सभी संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कुछ संविदा कर्मचारियों की हालत भी बिगड़ गई है। जिन संविदा कर्मियों की हालत बिगड़ी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, जो कोविड काल चल रहा था हम लोगों को भर्ती किया गया था 3 महीने पहले। 3 महीने वाले भर्ती करने के बाद जब वो 3 महीने पूरे हो गए एग्रीमेंट के साथ से 3 महीने पूरे होने के बाद हम लोग तब निकल चुके थे। फिर नेक्स्ट टाइम फिर आया कोरोना तो हम लोगों को फिर दोबारा बुलाया गया। कोई एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ था ना, इन लोगों ने कोई शर्तें कोई एफिडेविट कुछ चीज़ ऐसी नहीं लगवाई थी, डायरेक्ट इन्होंने भर्ती की थी। अब कोरोना जा चुका तो इन्होंने 226 कर्मचारियों को बिना किसी सूचित किए बिना किसी कारण हम लोगों को बाहर निकाल दिया। सर, हमारी वजह यह है हमको इस PGI से बाहर निकाल दिया गया है। हम इसके एक कर्मचारी थे
और हमको बिना नोटिस के बाहर निकाला गया है। हमसे कोविड में सेवाएं ली उन्होंने और हमारी डायरेक्ट भर्ती की थी इन्होंने और हमको बिना किसी रीजन के बाहर निकाल दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमको हमारी नौकरी वापस मिले। बांदा के मटौद थाना में खरौड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। ये एक संजय सनाफ सियाराम 40 साल का पुरुष आया हमारे पास, पार्टी है, एक्सीडेंटल केस है और ये शादी समारोह में कहीं शरीक होने जा रहे थे तो कहीं एक्सीडेंट हो गया रास्ते, यहाँ ब्रॉड डेड लाया गया मृत अवस्था में, शव को मॉर्चर में रखवा दिया, वहाँ पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। औरैया के एसपी अभिषेक वर्मा और सीओ महेंद्र प्रताप सिंह अचानक एरवा कटरा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने एरवा कटरा बाजार और मुख्य मार्गों का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उनकी नजर आने जाने वाली गाड़ियों पर पड़ी, जहां उन्होंने प्राइवेट गाड़ियों में हुटा लगे देखे, जिसे देखकर एसपी का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत गाड़ियों से हुटर हटवाए और जिसमें पुलिस लिखा दिखा उसको भी तुरंत सफा कराया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।